लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, हम लोग तैयार हैं। जरूरी है, करना ही होगा। ओके सर। से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक, दो और तीन कह के जाने के लिए कहूंगा। मेरी तीसरी उंगली दिखाते ही शूट कर देना, ठीक है? वो लोग आ रहे हैं, तुम छुप जाओ। रेडी? ए तेजा, ये क्या कर रहे हो? अरे ये नकली बंदूक नहीं है, ये सही में गोली निकल आएगी। अरे तेजा क्या कर रहे हो? लग जाएगी। चाहिए तुम लोगों को यह नहीं करना चाहिए था। मैंने जो कहा था वो तुमने नहीं किया। देखा तुम्हारी वजह से कितनी जाने चली गई। ये क्या सर, ये सब लोग डेथ वारंट वाले क्रिमिनल हैं, उनके मरने से हमें खुश होना चाहिए। शट अप। आज उन लोगों ने एसीपी के भाई के लड़के को किडनैप किया है। हमने इतने सारे लोगों को मारा, अगर कोई मंत्री या उसका बेटा किडनैप हो जाए तो विल यू बी रिस्पॉन्सिबल? ओके, फ्यूचर में विदाउट माई नोटिस, विदाउट माई ऑर्डर, डोंट डू एनीथिंग। जाओ यहां से। यस सर। एनी इंफॉर्मेशन? डीजीपी दुर्गा प्रसाद एक नंबर पर दिन में कम से कम 10 बार फोन करता है। ये फोन नंबर तमिलनाडु के रामेश्वरम से है। सर, 2 दिन के बाद एक बड़ा कंसाइनमेंट रामेश्वरम आने वाला है, हमें ऐसा पता चला है। अपना फोन दो सर। नंबर बोलो। 04573-221277-73-1277। हेलो, कौन बोल रहे हैं साहब? नौकर हो क्या? जी हाँ साहब। साहब है वहाँ? एक मिनट साहब, देखता हूँ साहब। केवी साहब संगीत की रियाज में बैठे हैं, कोई अर्जेंट मैसेज है तो बोलिए, मैं उनको कह दूंगा। हेलो, पता नहीं किसका फोन है। हम लोग जिनका सामना करने वाले हैं वो मामूली लोग नहीं है सर, वो देश के इज्जतदार कलाकार है। ऐसे में उसे स्टेट की पुलिस से भी हमें मदद लेनी ही पड़ेगी। हमें तमिलनाडु में रामेश्वरम जाना होगा। उस राज्य से हमें हेल्प मिलेगी या नहीं पता नहीं,
एक शिप भरकर हथियार ला रहे हैं तो वो लोग पूरी तैयारी से होंगे सर। सर यह ऑपरेशन सफल होने पर हम सरकार को पूरी तरह विश्वास दिला पाएंगे। हम यहाँ 6 लोग हैं। ये वही हालात हैं जैसे क्यूबा जैसा छोटा देश जाकर अमेरिका से लड़ने लगे। हमारी जीत होगी या नहीं पता नहीं दोस्तों, यहाँ पर हार की संभावना ही सबसे ज्यादा है। फिर भी जीतने की एक छोटी सी उम्मीद तो है ही। कितने लोग जिंदा लौटकर वापस आ पाएंगे पता नहीं। मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूं दोस्तों, आना चाहो तो आओ, नहीं तो मत आओ, तुम्हारी मर्जी। सौरभ रोकना मत। संभालने का बोझ मुझ पर मत डालो। पुलिस को इन्फॉर्म किया? ओके सर। आते ही मुझे बताना। ओके सर। रवि, 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 उस आदमी को लेकर आओ। जी सर। रमू, कवर करो। ओके सर। रवि संभाल के। Firing loco! Firing loco!
फायरिंग रोको, फायरिंग रोको, फायरिंग रोको, फायरिंग रोको, फायरिंग रोको, फायरिंग रोको। मिस्टर केवी, तुम्हें मिर्ची मल्लैया और डीजीपी को आतंकवादी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। सब लोग सरेंडर कर दो। सिद्धार्थ, ये तुम क्या कह रहे हो? गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत है रवि, ये फुल्ला राव मिर्ची मल्लैया का आदमी। क्या कहा? फुल्ला राव? मैं नहीं जानता। मिर्ची मल्लैया यहाँ का बहुत बड़ा आदमी है, तुम इन पर इस तरह के इल्जाम नहीं लगा सकते हो। बड़ा आदमी है या बुरा आदमी ये मुझे नहीं मालूम, ये यहाँ क्यों आया है वो भी नहीं मालूम। मिस्टर दुर्गा प्रसाद, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम जब वाइजेक में थे आतंकवादियों से तुम्हारे संबंधों को भी जानता हूँ। तुम्हारे सपोर्ट से तमिलनाडु से मिर्ची मल्लैया के घर से आंध्र प्रदेश में आने वाले वेपन्स और केवी से तुम्हारे संबंध भी जानता हूँ। तुम एक बात बोल रहे हो, तुम एक मामूली एसीपी हो। मैं आंध्र प्रदेश का पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ हूँ, तमिलनाडु सरकार को बता के डीजीपी के हक से आया हूँ। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सर, ये लोग ऐसे बातें करके टाइम खराब करेंगे। फोर्स आने से पहले इनका कुछ करना ही होगा। मिर्ची मल्लैया और डीजीपी को अरेस्ट कर सकते हैं, पर केवी को गिरफ्तार करने के लिए सबूत नहीं है। सबूत नहीं है तो क्या हुआ? इन सब का एनकाउंटर कर देंगे। इनका एनकाउंटर करके शहीद मत बनाओ। सर, फोर्स आ रही है। अपनी गन दो, अपनी गन दो। सिद्धार्थ, आखिरी बार कह रहा हूं, कानून की नजरों में तुम गलत कर रहे हो। कानून को बाजू में रखो। कानून की बात करने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। सर, सर्विस के दौरान की गई तुम्हारी गलतियां सुधारने का आखिरी मौका दे रहा हूँ। इस केवी की मैं और मेरा देश बहुत इज्जत करते थे, सम्मान देते थे। इसके बदले में इसने हमें धोखा दिया है। तुम्हें जीना है तो इसे मार डालो। ये काम भी तुम ही करो। कानून ने पुलिस वालों को मारने का हक नहीं दिया। लेकिन केवी को मारने के बाद मुझे छोड़ दोगे, इस बात की क्या गारंटी है? डीजीपी, ये क्या कह रहे हो? अपना फर्ज निभाने का तुम्हें मौका दे रहा हूँ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मार डालो। सर, फोर्स आ रही है, जल्दी करो। दुर्गा प्रसाद, फोर्स पहुंचने वाली है। अगर फोर्स आ गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये लो बंदूक। डीजीपी, पागल हो गए हो क्या? तुम मरोगे तो दूसरा आएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा खाकर मुझे ही मरोगे? तुम जैसे गद्दार को जीने का कोई हक नहीं है। मल्लैया, खत्म कर दो इसे। चाची मल्लैया, ये इनका आपस का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अपना टाइम अच्छा, इनका टाइम खराब है। हथियार नीचे करो। सिद्धार्थ, ये मिर्ची मल्लैया और उसके गैंग ने तुम्हें कितनी बार मारना चाहा तो सिर्फ मैंने उन्हें रोका। अभी इसे सरकारी गवाह बनाकर मुझे मारने के लिए कह रहे हो? देखो सिद्धार्थ, ये सही नहीं है। क्या खेल खेला सिद्धार्थ? मीठी मीठी बातें करके आखिर तुमने मुझे फंसा ही दिया। हाँ, मुझे अरेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए पिस्टल दे दिया। सिद्धार्थ, असल मुजरिम तो तुम हो। मैंने एक गन दी तो मुझे मुजरिम कहते हो? तुमने हजारों गन सप्लाई करके कितनों को मुजरिम बना दिया है। किसी ने गलती की, उसके बदले में तुम्हारे माता पिता ने आत्महत्या कर ली। वो गलती करने वाला हिंदू था, इसलिए तुम हिंदू शादी को बर्बाद कर देना चाहते हो, देश को बर्बाद करना चाहते हो। ये मेरे अकेले के साथ हुआ, अन्याय नहीं है। इस देश के अनगिनत मुसलमानों के साथ हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है। कहां हुआ अन्याय? आंध्र प्रदेश में कृष्णा, गुंटूर, नेहरूल, हड़प, कर्नल, चित्तूर और अनंतपुर, जहां चाहे देख लो तुम। हर जगह मुसलमानों को अपने सगों की तरह साथ देकर संभालने वाले लोग तुम्हें हिंदू ही मिलेंगे। एक आंध्रा ही नहीं, पूरे देश में ऐसे लोग मिलकर रहते हैं।
लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ मूर्ख लोग ही हैं जो हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा करवाते हैं। हिंदुओं के लिए तुम्हारे दिल में इतना गुस्सा भरा है और यही हिंदू तुम्हें कितनी इज्जत देते हैं। मुस्लिम लड़की होने के बावजूद टेनिस कप जीतने के लिए पूरा देश मन्नत मांगता है। 3 बार इस देश का अध्यक्ष मुसलमान रहा है। इस देश के राष्ट्रीय झंडे में नारंगी रंग हिंदुओं के लिए, सफेद रंग क्रिश्चियन के लिए, हरा रंग मुसलमानों के लिए होता है। हमने इस तरह का झंडा बनाया समझे कि नहीं तो हम रहती है, और तुमने शबनम को भी बदनाम कर दिया है। तुम जानते क्या हो, मुसलमानों को इस देश से जब निकाला गया था उन जख्मों को हम अब तक नहीं भुला पाए हैं। आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले इसलिए हमने ये बंदूक उठाई अपने कौम के खातिर। क्या बात कर रहे हो, इस देश के जब 2 हिस्से हुए थे तो यहाँ किसी ने खुशियां नहीं मनाई थी। जो घटना गुजर गई उसे भूलने की कोशिश की, पर तुम्हारी तरह अपने जख्मों को बार बार कुरेद कर उसमें नमक नहीं डाला। तुम्हारी गन से निकलने वाली गोली जात धर्म देखकर किसी की जान नहीं लेती, उन्हीं गोलियों से मुसलमान लोग भी मर रहे हैं। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से देशभक्त मुसलमानों को भी सर झुकाना पड़ता है। तुम जैसे लोग मिर्ची मलैया जैसे देशद्रोहियों का साथ देकर इस देश में आतंकवादियों की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। मिस्टर कादर वली, हम दोनों के साथ एक ही अन्याय हुआ है, पर मैं तुम्हारी तरह आतंकवादी नहीं बना, पुलिस बनकर तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। करीम सर, गिरफ्तार कर लो। सबका खून लाल होने पर उसका ग्रुप एक नहीं होता, जुबान एक होने से बोली एक नहीं होती, दिल एक होने से सोच एक नहीं होती। मेरे माता पिता की आत्मा की शांति के लिए ये जंग मैंने शुरू की थी, ये नहीं रुकना चाहिए। फिर से जन्म लूंगा, दोबारा वापस आऊंगा, ये जंग जारी रहेगी। भारतीय संगीत को पहचान दिलाने वाले केवी यानी कादर वली ने रामेश्वरम में आत्महत्या कर ली है। उनकी मौत की खबर से उनके देश भर के सारे प्रशंसक शोक मना रहे हैं। और आगे इतने बड़े कलाकार देशद्रोही हो सकते हैं, यकीन नहीं होता। कलाकार भी इंसान ही होते हैं, इंसानों में अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं। सर, शहर के बाहर बस को लूटा है, 20 लोग मारे गए हैं। इस बार लुटेरों ने नए अस्त्रों का इस्तेमाल किया है, हमें जल्दी ही जाना होगा। लेट्स गो सर। अच्छा होता कि मैं तुम्हारा पिस्टल होती, कम से कम तुम्हारे साथ रहने का मौका मिलता।